ओ भाई साहब, गर्मी चेक करो, कोई भी नहीं है गली में, गर्मी फुल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करते हैं आज गर्मी के अंदर। तो मैं आपको आज एक चीज़ दिखाने वाला हूँ कि आपको याद होगा कि यार मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा सा नीम का दरख्त लगा हुआ था और अब वो कट चुका है। आपको याद होगा बादल भी इधर ही खड़ा होता था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये जहाँ बादल की जगह जहाँ पे बादल खड़ा होता था वहाँ पे एक नीम का दरख्त लगा हुआ था जो हमने कटवा दिया किसी वजह से, क्योंकि यार इसकी जड़ें जो थी ना वो बहुत ज़्यादा फैल रही थी और यहाँ पे घर की एक ड्रेनिंग सिस्टम था जो अंदर से पानी वानी धुलता था तो इसके अंदर जाता था। आप देखें सब कुछ टूट गया, ये बनवाना पड़ेगा। ये दरारें जो आप देख रहे हैं ये सब नीम के दरख्त की जड़ों की वजह से हो गई थी जो कि हमें कटवाना पड़ गया। बहुत ऊपर तक है ये दरख्त। अब ये आपके भाई को सारी सफाई वगैरह करनी पड़ेगी। मैंने सोचा था कि ब्लॉग बनाऊं लेकिन मैं ब्लॉग बना नहीं सका जब दरख्त जो है वो कट रहा था। तो कोई बात नहीं, वैसे ही आपको दिखा दिया कि भाई वो अब जो दरख्त है वो नहीं रहा, अब जो जानवर आएगा जो उसका हम नाम रखेंगे वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन यहाँ दरख्त नहीं है, लेकिन सेटअप हम भरपूर करेंगे अपने जानवर के लिए इंशाल्लाह ताला। यार तो अभी मैं सौदा लेने आ गया हूँ सब्जी की दुकान पे। आपको पता दोपहर का टाइम होता है तो फिर घर वाले जो है सौदा ही मंगवाएंगे। तो अभी मैं सिर्फ जो लेने आया हूँ खट्टी खट्टी कैरी लेने आया हूँ, अचार बनाना है घर पे हमारे। तो भाईजान कितने की दे रहे हैं आज? 120 रुपए की दे रहे हैं। बाकी आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये मेरे हमारे भाई हैं जिनसे मैं सौदा लेता हूँ। और अभी आप मुझे याद है कि लोग खट्टी खट्टी कैरिया दे दें अचार के लिए। कंट्रोल और लहसुन जो है ना वो दो दे दें। आधा किलो में कितनी आएंगी, मतलब कितनी, 4-5 आ जाएंगी? चलो चलो, बाकी ये कैरी ले लेते हैं और लहसुन ले लेते हैं यहाँ से। यार लहसुन उठा के दो, अच्छा वाला, मुझे नहीं पता। भाई ने हमारा 10 डिस्काउंट दिया हमारे को। यार ये बकाया जाना, मैंने आपको 500 दिए थे डिस्काउंट, 10 रुपये आपने डिस्काउंट दिए। भाई ये इन्होंने हमें 10 रुपये डिस्काउंट दिए तो चलें, ये मैंने कैरी और लहसुन ले लिया अचार के लिए। चलें जजाक अल्लाह, अल्लाह हाफिज। चलो जी ठीक है भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज। यार तो ये लेसन ले लिया, गर्मी हो रही है तो गर्मी जो है ना होने दो यार, लेकिन हवा चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। घर चलते हैं लेसन देते। यार मैं एक चीज भूल गया, आज मंगल है और मंगल को जो है ना वो बकरा मंडी लगती है, आपको पता है गाय मंडी लगती है, लेकिन आज नहीं जा रहा यार। लास्ट टाइम बहुत गर्मी थी, बहुत मसला हो रहा था। इंशाल्लाह हम फाड़ से चलेंगे। यार तो दोस्तों आज बहुत गर्मी थी, आज पूरा दिन जो है ना ऐसे ही गुजरा। मैं काम से भी किया हुआ था, बहुत गर्मी थी। वो भाई साहब बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सब साइकिल चलाते हैं आज। मजा करते हैं साइकिल पे। ये देखो बच्चों, साइकिल दोगे तुम लोग मुझे अपनी अपनी? ये देखें हसन भाई भी साइकिल चला रहे हैं। यार एक साइकिल दे दो मुझे साइकिल चलानी, मेरे पास साइकिल नहीं है, कौन देगा? ये भाई लाओ, ये लो हसन। दोस्तों आज भाई बैठ गए हम साइकिल पे। यार ये तो चेन नहीं उतरी हुई इसकी। नहीं नहीं सेट लाओ मुझे दो, मैं बनाऊं। दोस्तों आज हम आपको साइकिल पे जो है ना पूरा विजिट करवाते हैं। चलो भाई हट जाओ, बहुत दिनों बाद मैं साइकिल चला रहा हूँ। जी तो दोस्तों अभी साइकिल पे बैठ गया हूँ मैं, बहुत अरसे बाद साइकिल चला रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। ये देखें अभी साइकिल, और ये रेस लग रही है बच्चों की। भाई रेस वेस तो नहीं लगा रहे ना मेरे साथ? भाई बहुत अरसे बाद जो है वो साइकिल चलाने को मौका मिल गया और बच्चों की जो है वो साइकिल ली हुई है। भाई शवाडर बच्चों की जो है ना साइकिल पकड़ ली है और साइकिल देख रहे रेसिंग लग रही है। पीछे भी साइकिल है और आगे वो एक भाई चला गया, तो मैंने बच्चों की साइकिल ले ली है भाई और मैं अभी साइकिल चला रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। भाई साइकिलिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग पे बहुत मज़ा आता है। तो आगे मैं आपको पूरा साइकिल पर जो है ना वो टूर करवाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं। भाई तो ये अभी मेन रोड पर मैं आ गया हूँ और ये हमारी सोसाइटी का जो है वो मेन रोड है और इस पर मैं साइकिल चला रहा हूँ। बाइक तो यार बहुत चलती है लेकिन ये है कि साइकिल पे आज बहुत मजा आ रहा है भाई। तो बड़ा मजा आ रहा है, देख लो भाई इधर क्या कहते हैं रेसिंग चल रही है हमारी, रेसिंग चल रही है। ये बच्चे भी बैठे हैं बाइक्स पे साइकिल पे,
भाई बोलो सब्सक्राइब करें हम भाई को। भाई तो ये हम अभी पार्क आ गए साइकिल में बैठे बैठे, बहुत मजा आ रहा है भाई। बचपन में चलाते थे साइकिल, बहुत मजा आता था, लेकिन अभी थोड़े बड़े हो गए तो साइकिल चला रहे हैं तो और मजा आ रहा है। मजा ये आता है कि जब आपको बड़े देख रहे होते हैं ना, बोलते हैं ये क्यों कर रहे हैं बच्चों वाली हरकतें, ये ज्यादा मजा आता है। अरे कहना क्या चाहते हो दोस्तों, यहाँ मैंने फुल स्टॉप मारा है साइकिल का, क्योंकि मैं भी थक गया हूँ यार, इतने बच्चों की साइकिल है। तो मैं आपको थोड़ा पार्क दिखाता हूँ यार। तो मैं ये छोटी सी साइकिल चला रहा था, देख रहे हो तुम लोग, और ये इस बच्चे की साइकिल थी जो मैंने पार की थी। ये देख रहे हैं आप, ये तौकीर भाई हैं, हसन भाई हैं, आपका नाम क्या था, हुनैन भाई, हुनैन भाई हैं। इनकी साइकिल हम लोग चलाते चलाते जो है ना उधर पार्क में आ गए, और ये हमारी सोसाइटी का पार्क है जहाँ मैं कभी भी आता ही नहीं हूँ। पिछली दफ़ा हम गाय लेकर आए थे ऐसे ही ना, एक साल बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ चलते हैं अंदर देखते हैं क्या सेटअप है। जी तो भाईजान, अभी पार्क के अंदर बिल्कुल ग्रास के अंदर हम लोग आ गए हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है। बाकी ये है कि साइकिल चलाई मैंने बहुत अरसे के बाद। तो भाई हसन भाई कैसा मजा आया आपको? बहुत मजा आया माशाल्लाह। हसन भाई तो चलाते रहते हैं भाई, कुत्ता ही है ना, बकरा थोड़ी है, तुम क्या भाग रहे वो तो नजर आता रहता है यहाँ पर, दर्जन के हिसाब से कुत्ते पाले जाते हैं। ये है नाम नहीं बताना था, बिना वजह मार्केटिंग क्यों करें है दौगीर भाई, बिना वजह सोसाइटी का नाम बता रहे हैं, बिना वजह मार्केटिंग कर रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हम अंदर है, बारहवीं अंदर से दरवाजा बंद कर रहे हैं भाई। वो गार्ड ने जो है ना, वो हम लोग पार्क में एंटर हुए हैं, वहां से गेट बंद कर रहे हैं भाई जान, हम लोग अंदर है। तो साइकिल कैसे जाएगी? चलो छोटा गेट पे चले जाएंगे भाई। वो ऐसा है कि उन्होंने जो है ना बड़ा वाला गेट बंद किया है, तो ऐसे में मजाक कर रहा था, बड़ा वाला गेट बंद किया है, वो कह रहे हैं छोटे गेट से साइकिल चली जाएगी आप। ये क्या कर रहे हो तुम, दिखाओ ये क्या चीज़ है। ओ भाई साहब चला के दिखाना, ये बड़ा बच्चे चला रहे हैं। ओए होए होए, ये क्या था, ये पकड़ो जरा मोबाइल में, मुझे दिखाओ ये कैसे होता, मेरी बनाओ। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये बच्चे बहुत चला रहे होते हैं, सर में दर्द कर रहे होते हैं, और ये कैसे चलता है ये नहीं पता। ओए होए जबरदस्त भाई, आपका भाई भी कर सकता है ये। तो ये क्या करना होता है इसको, दोनों साइड से करना होता, तो ये तो हो ही नहीं रहा, तो भाई बिगड़ गया। आप करके दिखाओ मुझे। साइकिल पे आए थे पार्क और साइकिल में ही चले जाते हैं। बाकी मैं मजाक कर रहा था, वो गार्ड भाई ने जो है ना वो गेट कह रहे थे कि मैं बड़ा वाला बंद कर रहा हूँ, छोटे वाले से आप लोग गुजर जाइएगा। तो साइकिल लेके जाते हैं और देखते हैं कि हम छोटे वाले गेट से जा सकते हैं। हसन भाई ये क्या चीज़ है यार, ये टक टक है। क्या नाम है इसका, टक टक, मैंने भी चलाया ये, पता आपको? ओ भाई ये तो हाथ ही तोड़ देगा, हाथ ही तोड़ देगा। ओ भाई साहब कोई अंकल आ रहे हैं भगाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान कैसे हैं आप, खैरियत से? कोई मसला तो नहीं अगर हम गार्डन में, यार ये क्या मसला है, कोई मसला नहीं है चलो यार ये देखो गेट बंद कर दिया, हम कैसे जाएंगे, साइकिल भी नहीं गुजर रही अबे भाई क्या हुआ, माशाल्लाह से ताला देख सकते हो नहीं यार हमारी सोसाइटी ऐसी बात नहीं है, साइकिल गुजारो एक एक करके मैं देखता हूँ, फिर मुझे बाहर जाके एक साइकिल दे देना आपको। ये वही वन बाय वन जा रहे हैं, फुल फौज जा रही है, देख रहे हैं आप। ये है हमारी गली के बच्चे, लाओ यार एक साइकिल दे दो भाईजान। तो फिर दोबारा से दूसरी साइकिल पे बैठ गया हूँ मैं, पहले मैं किसी और साइकिल पे बैठा था, और ये इसमें घेर वेर तो नहीं यार, पहले मेरे पास बचपन में जो साइकिल थी उसके यहाँ पे घेर लगे हुए थे, घेर वो करो तो जो आपकी जो चेन है ना उसके अंदर छः सात पता नहीं क्या होते थे, वो साइकिल ऊपर नीचे होती थी, फिर हम चलाते थे। अभी से चलाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैं कौन सी बिलिंग, साइकिल पे बिलिंग? अच्छा तो दोस्तों बहुत मज़ा आता है, साइकिल चलानी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए। वैसे जिम में लेग्स ट्रेन तो हम करते हैं,
लेकिन साइकिलिंग भी करनी चाहिए साथ साथ, वो बहुत मज़ा आता है यार। ये देखो साइकिल चला रहा हूँ मैं, और ये तौकीर भाई हैं जो गली में सबसे पहले गायें लेकर आते हैं। इनकी गायें आएंगी तो अनलोडिंग दिखाएंगे ना, हमें बता देंगे ना अनलोडिंग के लिए। ओ भाई साहब, तो भाई तौकीर भाई की जब गायें आएगी सबसे पहले लेकर आते हैं, जब आएंगी तो अनलोडिंग दिखाएंगे। तौकीर भाई जब भी आप गायें लेकर आएंगे मेरे दरवाजे पे आके बता दीजिएगा, हम जब गायें आ जाएंगी। सही है, डन हो गया। ओ भाई साहब, अबे भाई ये क्या चल रहा है? ओ हसन भाई गिरा नहीं देना अपने भाई को। जी तो दोस्तों, ब्लॉग को यहीं फुल स्टॉप मारते हैं, और साइकिलिंग हमने कर ली है। ये साइकिल खड़ी हुई है, एक बंदा हमारी रैली से गायब हो गया, उसे कारी साहब आ गए थे। तो उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इंशाल्लाह कल मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में, नए वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।